नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि धनतेरस पे हमें क्या खरीदना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और मैं आपको सजेस्ट भी कर सकती हूँ जिससे कि आपके लिए ऑप्शंस खुले रहें कि हम और क्या क्या खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा शुभ होता है सोना और चांदी खरीदना धनतेरस पर। उसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको जरूर ही खरीदना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए हमारी जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सोना चांदी, जो धनतेरस पे हमेशा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी अचल या फिर चल संपत्ति लेते हैं, यानी कि कुछ ठोस लेते हैं या फिर कोई ज़मीन लेते हैं, कोई आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ये दिन बहुत ही शुभ होता है खरीदारी के लिए। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। इस दिन पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त होता है, इसमें आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, पूजा करने के लिए ध्यान रखें, आपको शाम का जो समय होता है, जो कि गोधूली बेला के बाद का जो समय होता है, वो पूजा के लिए उत्तम होता है। वो दिवाली की पूजा के लिए भी उत्तम होता है और हमारे धनतेरस की पूजा के लिए भी उत्तम रहता है। तो जो धनतेरस है वो इस साल 23 तारीख को हो रही है, मतलब हमें जो मनाना है वो 23 तारीख को मनाना है। 22 तारीख को शाम से आ जाएगी लेकिन उदया तिथि माँ नहीं होती है, इसीलिए 23 तारीख को हम ये धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे। तो 23 तारीख को शाम को आपको 5:54 से लेकर 8 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। तो मैं कुछ ऑप्शंस आपको दूंगी, आपको वो हेल्पफुल रहेगा। आप बगल में मेरे काम चल रहा है मेरे नेबर्स के यहाँ, तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और आज मैं इस तरीके से सामने फ्रंट में आके वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ कि दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, शांति है, नहीं तो फिर वो नहीं बना पाते, मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ही कर लेती हूँ। तो मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ वो मैं आज आपको शेयर करती हूँ। ये जो सामान है ये मैंने लास्ट ईयर लिया था धनतेरस पर, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इस साल हम लोग कुछ और लेंगे, तो जब मैं लूँगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँगी जो कि धनतेरस के दिन आपको लेना बहुत ही उत्तम रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो चांदी के बर्तन होते हैं, जैसे पूजा के लिए हम जो चांदी के बर्तन लेते हैं, वो आप हो सके तो रोज़ में ना निकालें। अच्छी बड़ी बड़ी जब पूजा होती है उसमें निकालते हैं तो हमारे जो बर्तन हैं वो चमकते रहते हैं। और इस तरीके से कोई बर्तन आप लेते हैं या कुछ दिया लेते हैं, कटोरी, चम्मच, थाली, कुछ भी चांदी का लेते हैं, उसको आप पैक करके रखेंगे तो उसकी चमक कभी नहीं जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखें उसको यूज़ करने को, अच्छे से साफ़ कपड़े से पानी कम से कम यूज़ करें, उसमें लगाएं, पानी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपके बर्तन बहुत पुराने हैं, चांदी के हैं, और आप उसको चमकाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा उपाय होता है कॉलगेट। कॉलगेट का जो पाउडर आता है उसको बस थोड़ा सा गीला करके अच्छे से हाथों से आपको उसको रब करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर आप सिंपल पानी से धो लेंगे, फिर साफ कपड़े से पोंछ लेंगे तो आपके जो बर्तन है वो चमकते रहेंगे। ये जो दिया है ये बहुत ही सुंदर लगता है जब हम दिवाली की या कोई बड़ी पूजा करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये न्यू है बिल्कुल, ये हम लोग शायद से धनतेरस के बाद ही लाए थे। कोई अक्षय तृतीया या कोई अच्छी शुभ पर्व था उस समय लाए थे हम लोग। ये देखिए, इस तरीके से ये हैंडल है, इसमें या पकड़कर आरती कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से दिया ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, अभी चांदी सस्ती है, मतलब पहले से सस्ती हो गई है, तो आप ये एक ऑप्शन है आपके पास, ये आप ले सकते हैं। दूसरा है, आप ये ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये है चांदी का एक पत्ता होता है जो कि बहुत ही सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, पतला नहीं है, आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ये श्री यंत्र है, अगर आपको मैं पास से दिखाऊं, ये श्री यंत्र है और इसकी पूजा धनतेरस पे और दिवाली पे करना बहुत ही शुभ होता है। स्टफिक के श्री यंत्र भी आते हैं, अगर आप वो भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, पर चांदी शुभ मानी जाती है इसीलिए अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से कुछ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपका बिल्कुल भी बजट नहीं है और आप नहीं ले पा रहे हैं कुछ भी, अगर आप बड़ा चांदी का सिक्का नहीं ले पा रहे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे से ये आते हैं, एक एक ग्राम के सिक्के हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, ये एक एक ग्राम के सिक्के हैं, ये गिर भी गया, एक एक ग्राम के ये सिक्के हैं, ये भी आप ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे से हैं। और ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज का एक पड़ा है, एक ग्राम का है ये, तो मैंने ये 5 लिए थे। ये एक, मैं एक करके दिखाती हूँ,
ये देखिए इस तरीके से ये सिक्का है। और इसके बाद आप ले सकते हैं इस तरीके से, ये तो आपको आपके घर में होनी ही चाहिए, ये कुबेर यंत्र है, संपूर्ण श्री कुबेर यंत्र और अष्ट लक्ष्मी यंत्र। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, इसकी आज इस बार मैं पूजा करूंगी। मेरे पास दूसरी लक्ष्मी यंत्र है पर कुबेर यंत्र नहीं था, तो मैंने इसको परचेज किया है। ये ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट से आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। ये मेरे लास्ट ईयर के लास्ट से 2 साल पहले के हैं, ये कटोरी और चम्मच आप देख सकते हैं। इसी में मैं अधिकतर आप देखते होंगे पूजा करती हूँ तो इसी में मैं प्रसाद लगाती हूँ। और इसके साथ एक छोटा सा ग्लास है चांदी का। हम इकट्ठे बहुत सारी चीज़ नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर आप पूजा के बर्तन चांदी के इकट्ठे करना चाहते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ एक चीज़ ले सकते हैं आप, इससे आपका पूजा का सामान इकट्ठा हो जाएगा। लास्ट ईयर ये मैं दिवाली पर लाई थी चौकी, धनतेरस पर ये चौकी लाई थी। और ये जो लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं इनको बिठाती हूँ मैं हमेशा, तो ये जो चौकी है ये चांदी की मैं लेकर आई थी, आपको दिख रहा होगा ये चांदी की चौकी है, बहुत ही सुंदर लगती है, आपको उसकी फिनिशिंग भी दिख रही होगी, ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कुछ परचेस कर सकते हैं। और इनको बिठाने के लिए इनके इसको मतलब ये भगवान को बिठाने के लिए मैंने ये लिया था, तो ये जो भगवान है ये मैंने लास्ट ईयर ही लास्ट के लास्ट ईयर मतलब 2 साल या 3 साल पहले मैंने ये ली थी। और आप देख सकते हैं इनकी चमक बहुत ही सुंदर लगती है इसकी चमक, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल पानी से आज तक नहीं धोया है। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी जी और गणेश जी भी ले सकते हैं, ये दिवाली की पूजा में बहुत सुंदर लगते हैं। जब आप इनको बिठा के पूजा करेंगे ना तो आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि आपका बस मन भर जाएगा। आप इस तरीके से ले सकते हैं अगर आपने चाहते हैं। और अगले साल फिर आप ये भी ले सकते हैं जिससे कि आप दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकेंगे, आप इनको माता को और गणेश जी को लक्ष्मी माता को बिठाकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप अगर लेना चाहें तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ चांदी के सिक्के, जो कि अधिकतर हर घर में सबसे पहले यही होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चांदी के सिक्का जाके हम ले लेते हैं, तो ये चांदी का सिक्का हम ले सकते हैं। ये बड़ा वाला चांदी का सिक्का है और ये है छोटा, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको लक्ष्मी माता की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो लेना है, जो कि आप पहले से तैयारी करके रख लें, वो है कोड़ी और गोमती चक्र। ये देखें कोड़ियाँ और गोमती चक्र, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन आपके पास ये सभी चीज़ें होंगी तो आपकी पूजा सफल रहेगी, पूरी संपूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आप मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, ये कोड़ी है और ये है गोमती चक्र, ये 4 या 5 गोमती चक्र है मेरे पास और कोड़ियाँ भी 4 या 5 ही हैं। और इस तरीके से एक ये शंख है, ये आपको दिख रहा होगा, ये शंख भी आप ले सकते हैं। ये भी सभी चीज़ें आपको मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ अगर आप सोने की चीज़ लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है धनतेरस पे। तो इस तरीके से आप कोई सोने की चेन या फिर कान के या फिर कुछ भी आप खरीद सकते हैं, जो कि आप जिस चीज़ में सक्षम हो करने के। और कुछ भी नहीं आप खरीद पा रहे तो आप इस तरीके से बिछिया भी ले सकते हैं, ये 4 बिछिया जरूर लिया करें आप लोग, 2 बिछिया ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, 1 पैर में 2 पहनना चाहिए हमें, 4 बिछियों का जोड़ा अच्छा माना जाता है इस तरीके से। और धनतेरस पे आपको झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, झाड़ू बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है धनतेरस पे खरीदना। अगर आपके पुरानी झाड़ू है तो आप उसको अलग कर दें, आप कहीं पर भी कोने में जाकर आप उसको फेंक सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी की पूजा में जरूर पूजनीय होती है और झाड़ू की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है उस दिन। और झाड़ू का माना जाता है कि झाड़ू कभी भी किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए, झाड़ू हमेशा छुपी हुई होनी चाहिए, उसमें पैर कभी नहीं लगना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, झाड़ू हमेशा साफ होना चाहिए, गंदी झाड़ू हमें नहीं रखना चाहिए, खड़ी खड़ी झाड़ू हमें नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलह होता है, लड़ाइयाँ होती हैं।
तो चलिए आज का ये जो वीडियो है मैं यही समाप्त करती हूँ। आज के दिन आप झाड़ू और साबुत धनिया जरूर खरीदें, चाहे वो थोड़ी सी खरीदें, 10 ग्राम खरीदें, 20 ग्राम खरीदें, लेकिन साबुत धनिया जरूर खरीदें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो कुछ ना कुछ संपत्ति या कुछ ना कुछ जेवर, कुछ ना कुछ चीज आप जरूर लें। इस दिन बस लोहा और प्लास्टिक ना लें, बाकी आप बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन बर्तन से ज़्यादा शुभ होता है सोना और चांदी। तो चलिए आज का ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का ये वीडियो मैं ही साथ करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।